जय हिंद करता हूँ। यहाँ सब कुछ नेचुरल है, गाँव का पूरा रिक्रिएशन किया गया है, यहाँ पे काफी अच्छी चीजें हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ और कई बार आऊँ मैं, और जगह तो जन्नत है। इट इज वेरी नाइस प्लेस, महुआ जरूर आए, कॉर्पोरेट इवेंट के लिए बहुत सही जगह है। सौभाग्य है कि आज महुआ हाउस वालों ने मेरे को बुलाया हुआ है यहाँ। हमारे कई लोग यहाँ सेलिब्रेट के रूप में यहाँ पास देखिए बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं सबसे पहले महुआ हाउस को जय हिंद करता हूँ, उनकी जज्बे को सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज का ज़माना जो है आप देख रहे हो बहुत भागम भाग जमाना हो गया है, सुकून नहीं है लोगों को, तो साइकिल जो है आपको सुकून देता है, पीस ऑफ लाइफ देता है आपको, मतलब आप आराम से हो, किसी से कोई मतलब नहीं है, अकेले आप चलते जा रहे हो, अपने आप में खोए जा रहे हो, नेचर के साथ हो आप, आपको जो है आप ना कोई पोल्यूशन कर रहे हो, ना कोई आपको पेट्रोल का टेंशन है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को मुझे लगता है कि सबको करनी चाहिए। साइकिल तो एक आत्मिक शांति मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, साइकिल एक कंप्लीट एक्सरसाइज है, साइकिल से पूरी एक्सरसाइज हो जाती है आपके कार्डियो की भी और मसल्स की भी, लेग्स की, आपका कैलोरी भी बर्न होती है और साथ में कोई खर्चा नहीं। और सबको मेरा ये एडवाइस है, यदि दवाओं से बचना चाहते हो आप, बीमारी से बचना चाहते हो आप, नेचर से कनेक्ट होना चाहते हो, मुस्कराना चाहते हो सुबह से शाम तक, तो यू कंटिन्यू टू ज्वाइन साइकिलिंग। साइकिलिंग का ऐसा है कि जितनी चलाएं उतना अच्छा शरीर हो जाता है, मतलब ग्लो आता है, एनजाइटी जाती है और अपना आप फिट रहते हो, डाइजेशन ठीक रहता है, रिलैक्सेशन रहता है और आपको नए नए जगह देखने को एक्सप्लोर कर पाते हो। इतना मज़ा आ रहा है ग्रुप में, हम लोग साथ में सुबह मिलते हैं, ग्रुप में राइड करते हैं और काफ़ी फिजिकली फिट भी हैं और आईटी से रिलेटेड हैं हम लोग, तो हमें स्ट्रेस भी रहता है, तो वो सब स्ट्रेस बस्टर सुबह हम लोग मिलते हैं, नाश्ता होता है और मस्ती होती है, तो उस हिसाब से फिर साइकिलिंग हो रही है हमारी। आज अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पे बर्थडे का यहाँ पे अचानक से सेलिब्रेशन हुआ मेरा, मैं अपने घर पे सब लोगों को इनवाइट करने वाला था, पर उन्होंने बोला कि तरुण जी जो हमारे हैं उन्होंने सबको इनवाइट किया, तो मैंने कहा ऐसा अच्छा मौका कुछ नहीं हो सकता, और आज तक मेरी लाइफ में ऐसा बर्थडे सेलिब्रेशन मैंने आज तक नहीं किया साइकिलिंग ग्रुप के साथ। मतलब पहली बार मैं आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ और कई बार आऊँ मैं, अब नेक्स्ट टाइम जो है मैं अपनी फैमिली को लेके मैं यहाँ विजिट करने वाला हूँ, जल्द ही मैं आऊँगा मैं। बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ की एनर्जी जो है इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है, इस जगह की एनर्जी जो शब्दों में बयान करना संभव नहीं, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा लगा। इसमें गाँव का पूरा सा रिक्रिएशन किया गया है, फॉरेस्ट प्लस विलेज की फीलिंग है और अच्छे पेड़ लगे हुए हैं, पूरा एकदम फॉरेस्ट ग्रीनरी, फुल ऑफ ऑक्सीजन, और थोड़ा शहर से बाहर है, आउटिंग है, तो जिस तरीके से इसको सजावट की गई है, बनाया गया है, एक नेचुरल लुक दी गई है जैसे जंगल में हम रुके हुए हैं, तो बहुत ही शानदार है। महुआ इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू विजिट हियर, और सबसे अच्छी बात महुआ उसमें महुआ की मेरे को लगी कि ये कनेक्ट है नेचर से, मतलब आपको ऐसा लगता नहीं कि आप भोपाल में हैं, वहाँ कंक्रीट देख देखते बोरियत हो जाती है, लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, ये वो सब आर्टिफिशियल, यहाँ सब कुछ नेचुरल है, तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और नेचर के बीच में ताज़ी हवा है, ताज़ा अच्छे लोग हैं, और एक जो यहाँ वाइब्रेशंस आते हैं ना, इसमें एक जो वाइब्स आते हैं बहुत अच्छा फील होता है, ऐसे ना जो एंटर इन महुआ हाउस बिल्कुल आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं, पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं अंदर, यदि कोई भी टेंशन में हो महुआ हाउस में एक घंटे दो घंटे आराम कर लेना, तो अपने आप पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगे। महुआ हाउस हम लोगों का बहुत फ्रिक्वेंट डेस्टिनेशन रहा है हमेशा, और हमेशा आते रहे यहाँ पे, एक अलग से पॉजिटिव वाइब्स आती है यहाँ पे, अच्छा लगता है, नेचर के करीब होते हो, और बीइंग अ राइडर हम लोग हमेशा प्रमोट करते हैं ग्रीनरी को और पॉल्यूशन को हटाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहते हैं, तो सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि पॉल्यूशन ना करें, आप जंगल में जाएं, वहाँ का आनंद लीजिए, बट वहाँ पे गंदगी ना करें, पॉल्यूशन ना करें, और महुआ हाउस ज़रूर आएँ, आपको एक अलग फीलिंग होगी, थोड़ा सा दूर शहर से एक घर जैसा माहौल मिलेगा। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी नेचुरल ग्रीनरी है कि मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, मेरे हस्बैंड साइकिल चलाते हैं, मेरा बेटा है, काफ़ी इन्जॉय कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। एक्चुअली हम लोग है ना बहुत सारी चीज़ें मिसिंग करते हैं, जैसे घर में यहाँ पे चूल्हा दिख रहा है छोटे छोटे, हाथ से लिपा हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है।
वेरी नाइस प्लेस और जगह तो जन्नत है, इसका कोई तोड़ी नहीं है। मतलब इस चीज के लिए तरसते हैं, सालों साल लग जाते हैं इसको बनाने में, और देखने के बाद तो इससे लगता है स्वर्ग है। बस इतनी हरियाली तो वैसे भी शहरों में है नहीं, बाहर आके इतनी अच्छी जगह मिलना, मतलब ऐसा लगता है कि और अपने दोस्तों को लेकर साथ में आए, एंजॉय करें। वन नाइट स्टैंड बहुत अच्छी जगह है, और हमारी बीवी के चेहरे पे दिख ही रही होगी आपको चमक, जितनी खुश हैं वो जगह के कारण ही है। एडवेंचर तो वैसे डेली बेसिस पे होता है, सुबह घर से निकलते हैं तो पता होता नहीं कि क्या क्या होने वाला है। जैसे आज पता था कि महुआ हाउस आने वाले हैं, पर इतना सब कुछ कर लेंगे ये नहीं पता था। तो आज बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करी, ये यहाँ पर भी, अभी पीछे जो आपका थोड़ा ओपन एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग अपने अपनी तरह से अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसे कोई डिसिप्लिन नहीं है कोई चीज़ कि हमको वही करनी है, जिसको जिसको मज़ा आता है वो कर लेता है। प्लांट लवर हूँ मैं खुद, और मेरे को नेचुरल जहाँ पे प्लेसेस होती बहुत अच्छी लगती है, तो ऐसी जगह आके मेरे को अलग ही फील होता है, मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हो जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सभी टाइप के प्लांट मिक्स हैं, और इतना ग्रीनरी मेंटेन की है, बहुत क्लोज टू नेचर है, बिल्कुल कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं अपने आप को, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसी प्लेसेस में एक्सप्लोर करता रहता हूँ, मुझे मतलब आके बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक और मुझे ऐसी प्लेस आइडेंटिफाई हो गई है। आपसे बातचीत के पहले मैं और शिशु भाई यही बात कर रहे थे कि ये जगह ऐसी है जहाँ पे हम अपने ऑफिस वाली एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब इट्स नॉट अबाउट जनवरी फरवरी, अगर हम मार्च या अप्रैल या समर सीजन में भी आएंगे तब भी मुझे लगता है कि टेम्परेचर वाली कोई दिक्कत यहाँ पे होगी नहीं। तो अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि ये हमारे कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए बहुत सही जगह है। यहाँ पे आके काफ़ी अच्छा लग रहा है, इनफैक्ट मेरे बच्चे ने भी काफ़ी इन्जॉय किया है। इट इज़ वेरी नाइस प्लेस। और आपको क्या अच्छा लगा यहाँ पर? मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा तो वो डेकोरेशन लगा, जिससे मेरी फोटो अच्छी आई और मुझे यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे लगे। बहुत बहुत आभारी हूँ क्लब की ओर से।